भू माफियाओं पर जिला प्रशासन के बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं। बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश में भू माफियाओं पर जिला प्रशासन के बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के कुख्यात बदमाश मोनू सोनकर, जो शहर में जुए सट्टे और अवैध वसूली के नाम से जाना जाता था, उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। दरअसल माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को जबलपुर में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत घमापुर चौक के पास भानत तलैया में बदमाश मोनू सोनकर द्वारा करीब 2500 वर्ग फुट जमीन पर किए गए अवैध निर्माण, जिस पर मोनू सोनकर ने मकान और कार्यालय का निर्माण किया था, उसको नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने ध्वस्त कर दिया, बल्कि उसके कब्जे से लगभग 6000 वर्ग फुट शासकीय भूमि को भी मुक्त कराया गया है। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और नगर निगम के सहयोग से यह कार्यवाही SDM पाटन एवं रांची आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं नगर निगम का अमला भी मौजूद था। के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6000 स्क्वायर फीट जमीन, जिसकी कि शासकीय गाइडलाइन में 2600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको भी आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस तरह से लगभग 2.5-3 करोड़ रुपये की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, और इसके अलावा जो माफिया ने अवैध कब्जा करके घर बनाया था, उसको आज गिराया गया। सतत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। जिन माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है शासकीय जमीन में या शासकीय तरीके पे, संयुक्त रूप से सर्वे करके जो भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।